श्रीनाथ 26/8/2022 को पापा, मैं, मम्मी और साईं। श्रीनाथ द्वारे के लिए जो कि मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है, जो कि अपने सही समय 6:25 पर चल पड़ी और ये अभी हज़रत निज़ामुद्दीन से चल ही रही है अपनी स्पीड पर, धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेगी। और हम अपनी सीट पर बैठ गए, जो कि हमारी जो भी आरक्षित सीटें थी उस पर हम बैठ गए थे। और पापा ये व्यू देख रहे हैं बाहर का, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन का। अभी चली है गाड़ी, अभी रात हो चुकी है और साईं दादी ये दोनों रोटी खा रहे हैं, पापा सोए हुए हैं। बीच में फरीदाबाद का थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए रात का व्यू, ये बिल्डिंग्स फ्लैट बने हुए हैं, ये फरीदाबाद के हैं। फरीदाबाद के रात का व्यू आप देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। इस रात का व्यू बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गंज। चित्तौड़गंज ने गाड़ी पहुंची है सही 4:30 पर सुबह के। तो ये साईं बैठा था, पापा बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई है, साईं देख रहा है मुझे कैमरे की साइड, पापा देख रहे हैं स्टेशन की साइड। स्टेशन का व्यू काफ़ी अच्छा था, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी और ये कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी वो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजा महाराजाओं की पेंटिंग है। बहुत ही अच्छा स्टेशन लगा, बहुत ही अच्छी सफाई मोदी जी के राज में। और यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, साईं को तो सिर्फ कुछ पीना ही होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और पापा साईं को बताते हुए कि वो देखो सामने, अब सुबह हो गई है और सुबह उठते ही मैंने आपको ये सुबह का व्यू दिखाया कुछ एक दो स्टेशन पहले ही। बस हम अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ट्रेन बिल्कुल सही समय पर हमें श्रीनाथ जी के द्वार पे पहुंचा देगी, मीन्स मावली स्टेशन पे, जो कि 30-40 किलोमीटर दूर है श्रीनाथ जी से। और ये सही समय पर 6:30 पे हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है मावली स्टेशन पे। और मावली स्टेशन आप देख सकते हो, बोलो जय श्री नाथ महाराज की जय। ये मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बाकी जगह तो मैं जाता रहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं पहली बार यहाँ श्रीनाथ जी के द्वार पे आया हूँ। और आप भी ये देख सकते हो, आप भी दर्शन कीजिए, जो नहीं जा पाए अभी तक मेरी तरह तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हमने डिज़ायर गाड़ी की 800 रुपये में, ये मावली जंक्शन के बाहर मिल जाती है आराम से। और पापा मम्मी बैठ गए और मैं भी अब बैठ रहा हूँ, और ये ड्राइवर, ये हमारे गणेश भगवान जी, ये बैठ गए हैं साईं, मम्मी, पापा आराम से। और अब हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी के लिए। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि मेवाड़ के जो राजा हैं वो एकलिंग जी है। अच्छा, तो उन्होंने उनसे परमिशन लेके मैं आपके मेवाड़ में आया हूँ तो कहीं विराजमान होने का आदेश दीजिए। अच्छा, आप 750 साल के लिए यहाँ विराजमान हो सकते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पे एकलिंग जी ने 750 साल के लिए श्रीनाथ जी को यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। अच्छा, आपको 450-450 साल हुए, इतना पूरा आगे तक का इतिहास अपन को पता नहीं है। अच्छा, लेकिन 750 साल पूरे होंगे, वापस चले जाइए यहाँ से। अच्छा, सिहार से बाद में जो नाथद्वारा गांव का नाम है सिहार। अच्छा, तो सिहार को चेंज करके बाद में श्रीनाथ जी यहाँ आके वापस विराजमान हुए ना। अच्छा, तो उसका नाम हो गया श्रीनाथद्वार। अच्छा, इसलिए ये श्रीनाथ जी का द्वार है। अच्छा, मतलब एक्चुअली श्रीनाथ जी के नाम से ही है श्रीनाथ द्वार। ठीक, यहाँ तक का एंड है। हाँ, ये मावली, तब ये मावली नाम, मावली तो जंक्शन है, जंक्शन है, तो गांव ही अलग रह गया ये। अच्छा, नाथ जी अलग रह गया, श्रीनाथ जी यहाँ से 32 है। हाँ,
तो वहाँ पे अच्छा ये अपना मावली ट्रेन के लिए जंक्शन है जो शॉर्ट रास्ता ये मावली से चलता है, क्योंकि उदयपुर जाएंगे तो एक घंटा यहाँ से उदयपुर ट्रेन ज्यादा जाने का लेगी और वहाँ से डेढ़ घंटा श्रीनाथ जी जाने को लगेगा। ओके। और यहाँ से एक घंटा वो बच जाएगा, एक घंटे में आप नाथद्वारा पहुँच जाएंगे, आपको डेढ़ घंटे का बेनिफिट है यहाँ से। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि 750 साल पहले कृष्ण जी आए थे? 750 साल पहले नहीं आए थे, 400 साल पहले आए थे। अच्छा, अब इनका 750 साल तक का यहाँ का इजाजत है यहाँ रहने की, 300 साल और यहाँ मेवाड़ में। अच्छा, और शाम को वापस रात सुबह देखेंगे ना तो उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई रहती है। अच्छा, रथ के ऊपर। अच्छा, तो शाम को यहाँ से निकलते हैं वो तो सैन के यहाँ पे आरती के दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे, बाद में सैन के दर्शन वहाँ होंगे। अच्छा। तो यहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं, वापस सुबह मंगला के टाइम पे यहाँ जाते हैं। अच्छा, आपने सुना जैसे श्रीनाथ जी की थोड़ी स्टोरी आपको पता चली होगी जो कि इन्होंने मुझे बताई है, तो आपने भी ये सुनी होगी स्टोरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्रीनाथ जी की जो स्टोरी है। मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ तो पहले मैं स्टोरी सुनता हूँ कि क्या यहाँ की क्या कहानी है, क्या मान्यता है, क्या कैसे क्या है। तो आप सबने भी ये सुना होगा, ये अभी हम जा रहे हैं बस ये रास्ते का व्यू देख लेंगे, बहुत ही अच्छा व्यू था, पहाड़ी इलाका है बिल्कुल। मैंने सोचा नहीं था कि पहाड़ी इलाका होगा राजस्थान के अंदर, ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका था, बिल्कुल ये उत्तराखंड की तरह लग रहा था मुझे, जैसे ऋषिकेश वगैरह या हरिद्वार में जाते हैं वैष्णो देवी, बिल्कुल वैसे ही। और गाड़ी बहुत ही स्पीड पर गाड़ी चला रहा था ड्राइवर मेरा, ये आप देख सकते हैं बीच में हम अभी जाते हुए रास्ते में, और ये हम बस पहुंच ही गए हैं, थोड़ी दूरी रह गया यहाँ से श्रीनाथ जी। ये गौशाला है श्रीनाथ जी की, आप देख सकते हो बीच में। सबसे पहले आपको गौशाला की दर्शन करवाता हूँ मैं पहले, ये साइड में जो दीवार है ये गौशाला है पूरी की पूरी, और सामने आप शिव जी भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे, भोलेनाथ जी जो बैठे हुए हैं अपनी सीट पर विराजमान है। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है मुझे यहाँ से, मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं और ये अब छुप गए हैं। अभी आपको थोड़ी दूर जाके दिखाता हूँ, जब ये थोड़े पास आएगी ना गाड़ी, ये अभी जाते हुए हाईवे के पास, ये हाईवे आया और श्रीनाथ जी द्वार बस पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। ये देखिए आप कितने ही प्यारे लग रहे हैं मेरे भोलेनाथ, ये देखिए ऐसा नज़ारा तो मैंने हरिद्वार में भी नहीं देखा, ऋषिकेश में भी नहीं देखा, जो मैंने श्रीनाथ जी में देखा ये चीज़। और ये हम बस पहुंचने वाले हैं श्रीनाथ जी, ये जयपुर अजमेर नाथ द्वार लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ा होगा अभी। और ये बस जाते हुए नाथ द्वार भी, ये पूरा सफ़र बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुबह से लेके अभी तक का। और मेरे जो मेरा भाई है साइड में बैठा ड्राइवर मेरे भाई, ये भी इन्होंने भी कुछ बताया मुझे, बहुत अच्छा लगा सुन के, और आपको भी सुना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी कुछ देखोगे कुछ जानोगे नाथ द्वार जी के लिए। और ये बस हम अभी पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में, हाफ रास्ता हो गया, ये गाड़ी आप सुबह देख सकते हैं सारे अपने अपने काम पर जाते हुए। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं पुल, ये शायद मुझे लग रहा है गेट है नाथ द्वार जी का, और ये ड्राइवर ने लेफ्ट साइड लिया है, हाँ ये देखिए कितना अच्छा गेट लगा हुआ है नाथ द्वार जी का। मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार ही देख रहा हूँ इतना अच्छा व्यू, कि नाथ द्वार जी का इतना अच्छा व्यू इधर मिलेगा मुझे देखने को। मुझे लगा राजस्थान में तो मिट्टी वगैरह ही होगी, कुछ दिखने का नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अब मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और बस
उसी टाइम में हम बस पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से शायद। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, नाथ द्वार जी का होटल होगा कोई, ये पता नहीं अभी कौन सा होटल है, ये आप देख सकते हैं होटल। ये दुकानें अभी बंद है, सुबह 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 का टाइम है। और बस ये छोटी छोटी गलियां हैं गाय माता। और अब हम पहुंच गए हैं न्यू कॉटेज में। यहाँ पे हमने अपने रूम बुक करा लिया था और ये पापा भी चाबी लेने गए थे। ये देखिए जहाँ ये ऑफिस है, ऑफिस में श्रीनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैंने भी दर्शन किए और आप भी दर्शन कीजिए। और ये अब हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, प्यार त्यूर हो के अपने रूम से। ये पापा जा रहे हैं साईं मम्मी दर्शनों के लिए जाते हुए। और ये मार्केट की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, नाथ जी की फोटोएँ दिखाऊँगा, मालाएँ दिखाऊँगा। ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर आप फोटोएँ देखिए नाथ जी की, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी तो मैंने भी खरीदी है वो। मैं अभी अब आपको अगली थोड़ी देर अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर जब मैं लेके जाऊंगा। ये देखिए ये मार्केट का व्यू देखिए आप, बहुत ही अच्छा व्यू सुबह सुबह। और ये चाय वाले ने लगाई हुई है नाथ जी की फ़ोटो, बहुत ही प्यारी फ़ोटो है। और ये अब हम जा रहे हैं वहाँ। जाके मुझे एक चीज़ पता लगी कि आप अंदर मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आपको मोबाइल जमा करवाना पड़ेगा वरना आपको लाइन से वापस आना पड़ेगा। तो आप भी कभी जाओ तो मोबाइल अंदर मत लेके जाइए, मोबाइल आपको जमा ही करवाना पड़ेगा पहले। तो ये मैं आप सबको पहले बता रहा हूँ कि आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते अंदर, इसलिए मैं भी अंदर का थोड़ा व्यू नहीं दिखा सका आपको। अब हम ये वापसी के लिए जा रहे हैं अपने कमरे के लिए। दर्शन हमने कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। नाथ जी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस मन में एक थोड़ी सी वो रहेगी कि मैं पास से दर्शन नहीं कर पाया, थोड़े दूर से दर्शन हुए मुझे लास्ट में। और अब हम जा रहे हैं, ये नाथ जी का रास्ता है जहाँ जाता है, ये हमारे ये साथ में ही है हमारे उसके न्यू कॉटेज के साथ में ही है। हमने तो न्यू कॉटेज में लिया था और ये इसके साथ में ही है। और ये भी होटल ही है कोई। और हमने अब ये जा रहे हैं, पापा ये पार्क में बैठ गए हैं साई को खिलाते हुए, बस शरारत करते हुए, कुछ दादी इसको झूला देते हुए है। तो ये डरपोक ही पता नहीं कैसे झूले खा रहे हैं अब दादी के साथ, ये मस्ती करते हुए दादी के साथ। पापा बैठे हैं आराम कर रहे हैं, सुबह से थक गए हैं थोड़ा, चल चल के तो पार्क में। और अब हमने की है गाड़ी एक लिंग जाने के लिए। अब हम एक लिंग जा रहे हैं जो कि शिवजी भगवान जी का मंदिर है नाथ जी से 30 किलोमीटर दूर। तो हमने अभी गाड़ी की है ले लिया। और ये देखिए जो कि मैंने आपको शुरू में दर्शन कराए थे भोलेनाथ जी के, ये रास्ते में आते हैं जब हम एक लिंग के लिए जाते हैं तो बीच में रास्ते में दिखते हैं। यहाँ भी हम जाएंगे अभी, आते वक्त जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने। और ये देखिए बीच में सब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, हरियाली हरियाली, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मीन्स हरियाणा में कहते हैं एंडी एंडी व्यू, एंडी नज़ारा दिख रहा है मुझे। और ये देख सकते हो आप, और अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये लंगूर बंदर बैठे थे जो कि साई डर गया था, साई ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। और काफ़ी भीड़ लग रही है मुझे मंदिर के बाहर भी। ये हम पहुंच गए हैं भोले बाबा के दरबार में, गेट पर भीड़ काफ़ी थी क्योंकि लाइन को रोका हुआ था मुझे लग रहा है ऐसा, भीड़ होने के कारण। तो ये लंगूर बैठे हैं हनुमान जी के,
हनुमान जी के वानर सेना बैठी है, साथ के साथ हनुमान जी के वानरों के भी दर्शन हो गए हमें। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये मेरे गणेश भगवान जी, आप भी दर्शन कीजिए गणेश भगवान जी के। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ये तो मुझे पता नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है इतनी, मैं भी पहली बार आया हूँ इधर, तो किसी ने बताया था और अब हम पहुँच गए हैं गणेश जी के मंदिर में, जो कि नाथ द्वार जी के थोड़ी दूरी है, 10-1 किलोमीटर पहले। तो ये हम अभी आ गए हैं गणेश जी के मंदिर में। ये देखिए आप भी दर्शन कीजिए गणेश जी के। बताया जाता है कि ये भी जो मूर्ति है ये भी निकली थी किसी किसान जी किसान के खेत में, और ये आप नज़ारा देख सकते हैं गणेश जी के सामने का मंदिर का व्यू का, बहुत ही अच्छा व्यू है, आप भी देख सकते हो। आप भी जा सकते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आप ज़रूर इस जगह पर जाएँ, बहुत ही आनंद आएगा आपको। यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, सारे काम आप यहाँ कर सकते हैं। बोलो गणेश महाराज की जय। ये देखिए मेरे भोले बाबा बैठे हैं नीचे, नीचे मैं गया नहीं, मैं ऊपर ही रहा क्योंकि पापा थक चुके थे पूरी तरह, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ फ़ोटो के लिए। ये मेरी माँ, ये मेरा साईं और ये मेरे पापा जी। या हम वापस चल गए। ये देखिए ये फ़ोटो मिराज जो तंबाकू वाला है, मिराज कंपनी, उसके मालिक ने ये बनाया है और ये कुछ ही टाइम में अब स्टार्ट हो जाएगा, इस साल में ही स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी टिकट लगेगी। ये गेट है इसके अंदर जाने का, आप इसके अंदर जा सकते हैं टिकट लेके। ये अभी चालू नहीं हुआ तो इसलिए हम भी नहीं गए अभी, और हम अभी वापस आ रहे हैं सिमनाथ द्वारे और जाके फिर रेस्ट करेंगे। और ये अब वो बैक की साइड था, अब मैं आपको थोड़ा फेस की साइड आपको दिखा देता हूँ जूम करके। और ये देखिए आप अभी भोलेनाथ जी को बिल्कुल पास से देखें, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। और अब हम आ गए हैं गौशाला, गौशाला में भी काफ़ी भीड़ थी, हमने कुछ लिया गाय के लिए, वहाँ चारा चूरा लिया, तो बस वही डालने आए थे यहाँ पे भी गौशाला में। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये कामधेनु गायें हैं जो कि इन्होंने बताया था यहाँ पे जो भी पंडित जी थे, तो यहाँ इसके नीचे से गुजरने से मनोकामनाएं पूरी होती है, सब कुछ बताया था। तो ये लोग निकलते हुए, मम्मी भी निकली थी तो उस टाइम मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई थी, तो आप भी देख सकते हैं कैसे लोग नीचे से गुजर रहे हैं। ये मेरी मम्मी कुछ कहते हुए पंडित जी को, तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी नीचे से निकल रहे हैं। ये कामधेनु गाय हैं, शायद इनके दूध से शायद उनको नहलाया जाता है श्रीनाथ जी को। बहुत बड़ी धर्म गौशाला है ये देखिए, ये बच्चे से हाथ फिराते हुए आशीर्वाद लेते हुए कामधेनु से। अब हम वापस जा रहे हैं श्रीनाथ द्वारे। ये रात का व्यू है देखिए आप भोलेनाथ जी का, और ये साईं, अब साईं मुझे नहीं दिख रहा कहाँ है साईं, कहाँ पे है मम्मी साईं कहाँ है, ये रहा साईं, ये रहा साईं छुप के बैठा है हुआ। और ये जो ड्राइवर हैं हमारे
और अब हम खाना खाते हुए कनॉट कॉटेज के अंदर ये होटल है, तो वहाँ पे हमने खाना खाया, रात का खाना खाया, बहुत ही अच्छा खाना था। और ये अगले दिन की वीडियो है, यहाँ पे मैंने सिन्हा जी की एक फ़ोटो ली तो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने सोचा कि उन्हें हम फ़ोटो ली जाए, सिन्हा जी को हमारे घर लिया जाए, कि हमारे घर सिन्हा जी की कोई फ़ोटो नहीं थी। और अब हम वापस आ चुके हैं अपने स्टेशन पे मावली, और मम्मी ने यह फ़ोटो उठाई हुई है, ये आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, उस टाइम तो सुबह सुबह थी। अब आप ये ड्राइवर बाय करते हुए, अगर आप सबको भी कभी आए तो इस ड्राइवर से आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, आपको वीडियो में नंबर दे देता हूँ मैं इसका, तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, आपको स्टोरी भी बताएगा सिन्हा जी की, आपको जगह भी बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं घूमना चाहिए। और अब ये साईं बेचारा थक चुका है पूरी तरह, और अब हम घर आ चुके हैं। घर आके हमने सिन्हा जी को घर पे प्रवेश किया, और अभी ये बच्चे खोलेंगे सारे बच्चे, और ये सिन्हा जी की फ़ोटो, आप भी दर्शन कीजिए सिन्हा जी के, कितनी सुंदर फोटो है, कितनी सुंदर आँखें हैं मेरे नाथ जी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। जय श्री नाथ।